हाँ जी, क्या नाम है आपका? आदर्श चोरे। आदर्श जी कहाँ से आए? गुजरात से। क्या परेशानी हुई थी? आरपी की है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मुझे 10-12 साल से है। तो आपको सबसे पहले क्या परेशानी हुई थी? सबसे पहले तो रात में थोड़ा कम दिखने लग गया। फिर धीरे धीरे धीरे, छोटे थे हम बचपन में तो पता नहीं था कि मुझे ही हो रही कि सबको होती है। अच्छा, आप सोचते थे कि सबको ही ऐसा दिखता? हाँ, सबको ऐसे ही दिखता होगा। अच्छा, फिर? फिर पापा मम्मी को बताया, तो फिर डॉक्टर को दिखाया घर के आसपास जो आँख के हैं, तो ऐसा लगा कि आँखों में कमजोरी है, तो चश्मा लग गया था। ठीक। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो रात में ज़्यादा कम दिखने लग गया, तो रात में चलना फिरना मुश्किल हो गया। हाँ, है ना, चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो आदर्श जी, रात को कम दिखा, उसके बाद क्या हुआ? फिर थोड़ा पढ़ने में भी तकलीफ होने लग गई। ठीक। फिर पढ़ने के बाद अपने नाम से दिखने में तकलीफ होने लगी, कुछ सामने दिखता था, कोई हाथ में कुछ देता था, कोई हाथ दिखाता था, तो दिखने में तकलीफ होने लगी। मतलब कोई हाथ हिलाता था, हेलो हाय करता था, पहचान नहीं पाता था, पहचान नहीं पाते थे लोगों को। कोई चाय देता था, आप उसको ले नहीं पाते थे, ले नहीं पाते थे, या कुछ सामने रखा है खाने या पढ़ने या लेने का, तो वो भी दिखता नहीं था। अच्छा, मतलब थाली के साइड में क्या रखा वो नहीं दिख पाता था। कितनी बात हो जाता, क्या है थाली में पता ही नहीं चलता था। अच्छा, और सीढ़ी चढ़ने उतरने में ऐसा था कि वो भी तकलीफ होती थी। अपने नाम से चलने वरने में ऐसा लगता था, या किसी का साथ लगता था। तो नई जगह पे परेशानियां महसूस होती थी जी, है ना? ओ, कभी सीढ़ी से गिर नहीं गए, आप पैर स्लिप हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ? हाँ, बहुत बार होता था, जैसे कि चढ़ने में तो फिर भी एक परछाई के हिसाब से चला जाते थे, उतरने पता ही नहीं चलता था कि आगे सीढ़ी है कि नहीं है। अच्छा, ये कितने सालों से हो रहा है? ये तो कम से कम 8-9 साल, 7-8-9 साल से हो रहा है। तो फिर आपकी गाड़ी चलाना भी छूट गई होगी? हाँ, गाड़ी मेरी 8-9 से छूट गई थी चलाना, लगभग 12-10 साल से। हाँ, लगभग 10 साल से। स्पीड देखकर गड्ढे नहीं दिखते थे? हाँ, दूर का दिखना बंद हो गया फिर धीरे से। फिर पास का तो दिख नहीं रहा था, धुंधला हो गया। पढ़ाई कब से छूटी? पढ़ाई 10वीं क्लास से ही, मतलब ऐसी थी कि बोर्ड का देख नहीं पाता था मैं। फिर या तो खिड़की के पास बैठना और वो बोलते थे तो वो लिखना, फिर धीरे धीरे किताबों की लाइनें दिखना कम हो गई। फिर किताबों में चश्मे का नंबर नहीं दिया डॉक्टर साहब लोगों ने? दिया था, बाकी उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। चश्मे से फर्क नहीं पड़ता था, पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, इसके कारण पढ़ाई भी छूट गई, है ना? तो अहमदाबाद में बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया आपने, उसके बाद आपने कहाँ दिखाया अहमदाबाद के अलावा? अहमदाबाद के बाद मैं चेन्नई भी गया था। फिर उसके बाद मैंने हमारे घर के 200-400 किलोमीटर आसपास जो डॉक्टर थे उन्हें दिखाया। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कहीं दिखाया था? मध्य प्रदेश में भी दिखाया था। अच्छा, किनको दिखाया था? मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर थे, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, बाकी वो उनको दिखाया था। तो वहाँ भी उनको क्या कहा सभी ने? सभी यही कहते थे कि अभी इसका इलाज नहीं है, जब इलाज आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक। इसके अलावा एलोपैथी, होम्योपैथी, कोई दवा, आयुर्वेदिक वगैरह? डॉक्टर लोग बोलते थे कि अभी कोई इलाज ही नहीं आया है, तो दवाई का इतना कुछ है नहीं। कुछ देते भी थे दवाई तो ऐसा लगता था कि बस दे दी है दवाई, मतलब नहीं। और दूसरी ब्रांच जैसे एलोपैथी में तो मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता जी जी, लेकिन होम्योपैथी या आयुर्वेद में करवाया कि आपने बाबा रामदेव या किसी से? हाँ, गए तो थे वहाँ पे भी। हाँ, बाकी कुछ ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। ठीक। हर तरफ से हताशा मिल रही थी, जवाब सही नहीं मिल रहा था, जहाँ जी रोशनी दवाई दी भी लेकिन रोशनी खत्म होती गई, खत्म होते जा रही है ना जी। आज स्थिति ये हो गई कि आपको हाथ पकड़ के चलना पड़ता है कोई नई जगह पे जाएं तो जी। ठीक जी। तो ये कितने सालों से हो गया कि आप हाथ पकड़ने के लिए मजबूर हो गए? कम से कम 5-7 साल से तो कम से कम हो ही गया है, जितना मुझे याद आ रहा है। हमेशा आपको कंपनी की जरूरत होती है जी, बिल्कुल। चलिए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी जिंदगी में फिर बहार आए और आप इंडिपेंडेंट चलना शुरू करें। एक चीज समस्या और आई होगी आपको, आपको रंग दिखते हैं क्या? अब जैसे लाइट कलर के और डार्क कलर के जो कलर्स होते हैं उसमें मेंशन नहीं कर पाते हैं कि ये कलर कौन सा है। अच्छा, कौन सी ड्रेसअप, अपन कॉम्बिनेशन देखने में भी दिक्कत? जी जी, जैसे कोई डार्क कोई कपड़े हैं, पैंट हैं। हाँ। तो आप समझ में नहीं आ पाता था, या तो किसी से पूछे या ऐसा करें, मतलब खुद के हिसाब से नहीं कर पाते, खुद निर्णय नहीं ले पाते, है ना? मतलब कलर ब्लाइंडनेस भी आपको आना शुरू हो गई है जी।
देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। इस पे कुछ लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं क्या है ये? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस ऐसा है कि बस जैसे कुछ कीड़े मकोड़े जैसे विजन है, बस क्या है ये नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाएंगे, खत्म हो गए। देखिए आदर्श जी, सामने कुछ दिख रहा है आपको कांच में? हाँ ऐसा दिख रहा है कि कुछ है, बाकी क्या लिखा है क्या है ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। शब्द लाइट दिख रही है मुझे, ऊपर लाइट दिख रही है, पढ़ नहीं सकते क्या है। दूसरी आंख से देखिए, इससे भी ये तो बहुत धुंधला है, कुछ क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, बस एक रोशनी आ रही है ऐसा लग रहा है। ठीक, हाँ नहीं सिर्फ लाइट दिख रही है। नहीं नहीं, दूसरी आंख से देखिए, नहीं सिर्फ उजाला रोशनी दिख रही है। क्या हो रहा है? बस लुक छुप हो रहा है, जैसे रोशनी के आगे कुछ आ रहा है। दूसरी आंख से देखो, इसमें से सिर्फ धुंधला दिख रहा है और रोशनी आ रही है बस। कुछ हिलता डुलता तो नहीं महसूस? हाँ हिलता डुलता महसूस हो रहा है, हो रहा है कि कोई रोशनी के सामने कुछ आ रहा है। हटा लो हाथ। तो आज आपकी स्थिति यह है कि आप उंगलियां गिन नहीं पा रहे हैं, बस इतना महसूस होता है कि कुछ मेरी आंख के सामने हिल रहा है। जी ठीक। आदर जी, आपके साथ कहीं से लाइट आए तो बताइए किस साइड से आ रही है। सीधे देखिए किधर आई लाइट आ रही है? ऊपर से आ रही है। ये ऊपर से है जी। आप कैप थोड़ी ऊपर साइड में कर लो। आप ऊपर से आ रही है, लेफ्ट साइड से ऊपर से। आप राइट साइड से, बीच में से। आप नीचे से आ रही है। अब लेफ्ट साइड से आ रही है। दूसरी आंख से देखो, आंख हिलाओ मसीदे देखो। अब लेफ्ट साइड से, ऊपर से, राइट साइड से, फ्रंट, नीचे से। हटा दो। तो आज आपकी स्थिति ये है कि सिर्फ आपको लाइट महसूस होती है कि कहाँ से आ रही है। जी हाथ हिलता महसूस हो रहा है, ये कुछ हिल रहा है आँख के आगे जी, लेकिन आप फिंगर काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कि आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं कितना क्या है। जी ठीक। देखिए पास में कुछ आप पढ़ सकते हैं कि नहीं? जी इसमें कोई गिनती दिख रही है? सर मुझे दिख रहा है कि कुछ है, बाकी क्या है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दूसरी आँख से, इससे तो सिर्फ लाइट आ रही है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। जवानी में जिंदगी में बड़ी विसंगतियाँ आ गई हैं आपके। जी। दूर का दिखना खत्म हो गया, रात का रात में दिखना खत्म हो गया, पास का दिखना खत्म हो गया, इवन रंग दिखना भी खत्म हो गए। तमाम बड़ी बड़ी जगह इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन कहीं कुछ फर्क नहीं आया, और अधिकतर जगह यही कहा गया कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। आपने नहीं कहा कि अमेरिका, जापान, लंदन कहीं जाए? सोचा तो था इंटरनेट पे भाई, किसी डॉक्टर से पूछा आपने कि कहीं जा सकते हैं क्या? सब डॉक्टर साहब यही बोलते कि अभी इसका इलाज नहीं आएगा, आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक। तो नेट वगैरह पे कुछ सर्च किया आपने? हाँ नेट पे, मुझसे तो नहीं हो पाता था, कि मेरे दोस्त और भाई उन लोगों से बोला था, तो फिर ऐसा कुछ भी इलाज नहीं बताया, सब में यही बताया कि रिसर्च हो रही है, फिर आएगा तो फिर बताएंगे। आपको डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में कैसे मालूम पड़ा? मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला। ठीक, चलिए आपने विश्वास किया कि दूसरों को फ़र्क पड़ रहा है, उसी तरह आपको भी फ़र्क आएगा। जी हम प्रयास करेंगे कि आपकी उम्मीदें जागें और आप कुछ देखने में सक्षम हो, क्योंकि आज आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं हिलने डुलने के अलावा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श, आदर्श जी आज आपका पहला कोर्स ख़त्म हुआ है। जी सर, है ना। और जिस दिन आप आए थे आपकी स्थिति ये थी कि आप चारों तरफ से लाइट बता पा रहे थे जी, कुछ हिलता डुलता बता पा रहे थे जी, पास का दूर का कुछ भी पढ़ नहीं पा रहे थे, है ना। देखें आज आपको पास का क्या दिखाई पड़ रहा है, पढ़िए क्या है। लेफ्ट में सी, राइट में 85। 85 के नीचे क्या है? 85 के नीचे 2 है और 6, 5 है, 7 है, समथिंग कुछ है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, दिख रहा है। लास्ट वाला क्या है? 3 है। 3, 2 और 3 सही दिख रहा है, उसमें बीच में एक अक्षर है जी,
क्या हो सकता है? सर बहुत एस नहीं समझ में आ रहा जी। सर ए है, एक्स है और ओ है। गुड, वेरी गुड, बहुत सारी बधाई हो। उसके नीचे कुछ? सर नहीं, उसके नीचे सर फील हो रहा है कि चार वर्ड्स का कुछ है, बाकी क्या है ये नहीं बता पाऊंगा। आदर जी बहुत सारी बधाई हो, जिंदगी फिर रोशन होने लगी है आपकी जी। और आपको जो कुछ भी दिखाई नहीं, कितने सालों से आपने पेपर पढ़ना बंद कर दिया था? कितने से कम 10 से 12 साल हो गए। 12 साल बाद राम जी वनवास से आए थे और दिवाली मनी थी, आज आप घर जाइए, वो घर पे जाके जश्न मनाइएगा कि आपको भी राम जी की तरह आपकी आंख में फिर रोशनी आई है और एक विजेता बन के आप यहाँ से जा रहे हैं। ये कहाँ हुआ सर? ये उज्जैन में डॉक्टर ऋषभ जैन के। तो आपकी ये रोशनी 12 साल बाद आई और आज आप पढ़ने लगे, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए बहुत सारी बधाई हो, देखें दूर में क्या फ़र्क आया है। हाँ जी पढ़िए, ऊपर कुछ दिख रहा है सामने कांच में? हाँ सर कुछ दिख तो रहा है। एल, वेरी गुड। बस सर यू है राइट साइड में। यू, वेरी गुड। यू के पास? नो सर बहुत क्लियर नहीं है, कुछ लिखा है बाकी क्या है ये कंफर्म नहीं। देखिए इससे यू पहले साफ दिख रहा था या अब साफ दिख रहा है? चश्मे का नंबर लगा रहे हैं अपन जी सर, पहले अभी तो ब्लर दिख रहा है। ये ब्लर है जी, थोड़ा सा आप सेट कर दीजिए। अब सर ठीक है। तो यू के पास वाला अक्षर आया क्या आपको? नहीं सर। नहीं आया। तो बहुत सारी बधाई हो आपको जी। सर आपको आज आपको करीब करीब 30 फीट की रोशनी आई है जो आप सिर्फ कुछ हिलता डुलता महसूस कर रहे थे जी। आप दूसरी लाइन का एक अक्षर बता रहे हैं और ये चाहे विराट कोहली ने वर्ल्ड कप ना जीता हो लेकिन उनका शतक लगाने सरीका आपका सक्सेस है कि आपने वो आपके जीवन में वो उजियारा आया है जिसकी आपके परिवार ने या आपके सहयोगियों ने या आपके वेल विशर ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एकमात्र एक कोर्स के बाद इतना फ़ायदा हो सकता है। तो आप अपने जैसे सुरदास भाई जो आँख होते हुए ब्लाइंड हो गए हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यह कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं आप सबसे पहले कॉन्टेक्ट करें सर से और जल्द से जल्द यहाँ आके अपना इलाज करो। तो आपको विश्वास है जिस तरह आपको फ़ायदा हुआ दूसरों को भी फायदा होगा? जी सर, जब मुझे हुआ है तो फिर दूसरों को तो और होगा। आपके किसी मित्र तो परिचित को भी फायदा हुआ है यहाँ? जी एक मित्र है, उन्हें फायदा हुआ है। तो आपको फायदा हुआ, आपके मित्र को फायदा हुआ, उसने आपको यहाँ भेजा जी। और आपने वीडियो देखे थे? जी सर। आपने वीडियो पे भी देखे, यूट्यूब पे पे वीडियो देखे और मित्र से जाना, फिर थोड़ा यहाँ आके फिर बहुत लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देखे और आज 7 डे बाद मुझे भी थोड़ा फील अच्छा ही हो रहा है। दोस्त इसको थोड़ा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं आपकी लॉटरी खुली है जी 1 अरब रुपए की। ठीक जी, क्योंकि आप जीरो पे थे, माइनस पे थे, जीरो पे सिर्फ आपको लाइट महसूस हो रही थी, उससे आपको 30 फीट दिखना तो ये एक आसमान का तारा तोड़ने जितना आपको खुशी है कि आपकी गोदी में एक चंद्रमा टूट के आया है, आपकी आंख में रोशनी आ गई है। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत और आपको भी मुबारक कि आपने हमारे को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिलाया, थोड़ा बहुत या ज़्यादा ही। पास का दिखा, दूर का दिखा, अब तन्हाइयाँ कटेगी, आप अपना पेपर पढ़ सकेंगे, अपने लाइफ का शुरुआत जी उस हिसाब से कर पाएंगे जैसे आप यंग 10 साल पहले किया, 12 साल पहले किया करते थे जी। मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है, उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय रीडेवलपमेंट सेंटर।
यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।